डीजे भीकाराम, डीजे भीकाराम, ठीक है। पता है कि जैसे कि ये काइनमास्टर एक वीडियो सॉफ्टवेयर एडिटिंग है, तो इस पर हम ऑडियो एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, तो उस पर मैं आपको आज एक वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप भी इस तरीके से जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कर पाएंगे। तो जैसे ही दोस्तों इसको MP3 में कन्वर्ट किस तरीके से करना है उसको भी मैं जो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और अभी भी एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हैं और उसे रिमेक्स किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ रेशियो सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैं जो 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर आपको जो सॉन्ग एडिट करना है वो सॉन्ग आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ ऑडियो का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो म्यूजिक पर क्लिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि मैं कोई सॉन्ग नहीं ले रहा हूँ, कॉपीराइट इश्यूज हैं। तो यहाँ पर जैसे ये वाला एक सॉन्ग है तो आप देख सकते हैं ये वाला सॉन्ग मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको राइट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर डाल देना है। फिर वापस से ऑडियो पर आपको टैप करना है। यहाँ पर ऑडियो पर टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन शो करेंगे, यहाँ पर जैसे साउंड का है, लेयर का है और टैप है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने को मिल जाएंगे, तो मैं यहाँ पर पहले इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, साउंड के बारे में। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये म्यूट हो जाएगा, म्यूट होने के बाद में ये इसका साउंड है जो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आप साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। अब मैं वापस से इसको इनेबल करूँगा तो ये साउंड सुनाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब दोस्तों देख सकते हैं ये साउंड सुनाई दे रहा है आपको। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ये वाला, ठीक है, टैप का। टैप पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब दोस्तों देख सकते हैं इसको जो 100% है, ठीक है ना, 100% मैं ऊपर करूँगा तो ये दोस्तों देख सकते हैं इसकी लाइन है जो ऊपर जा रही है, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, अप हो जाएगा, ठीक है। और इसको डाउन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये डाउन हो गया, ठीक है। अब हमें दूसरी जगह से अप करना है, ठीक है, तो यहाँ पर लाना है और प्लस आइकन पर आपको क्लिक कर देना है और वापस से इसको जो अप कर देना है यहाँ पर इतना, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से आपको डाउन कर देना है, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं डाउन कर दिया। अब मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, इसका साउंड अलग आएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों देखते हैं एकदम धीरे धीरे साउंड आ रहा है इसका, ठीक है, और इसका आगे जाकर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें करना है जिससे डीजे रिमिक्स, तो इसको क्या करना है, यहाँ पर जो सावी का आइकन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ कैसे का आइकन दिख रहा है, ठीक है, तो कैसे का आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर 20 में आ जाना है और इसको क्या करना है, ट्रिम कर देना है, ठीक है, यहाँ पर कर देना है। इस तरीके से करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक रिकॉर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा माइक का, तो यहाँ पर जैसे दोस्तों देखते हैं मेरा नाम मैंने बोल दिया, ठीक है। अब आप जो इस वाले सॉन्ग को जो हम दो भागों में ट्रिम किया था इसको क्या करना है, आपको खिसका देना है, इस पर टैप करना है और इसको मैं जो थोड़ा आगे खिसका देना, ठीक है। अब इस वाले जो काइन मास्टर हमने रिकॉर्ड किया इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिले हुए वॉइस चेंजेस, ठीक है ना, वॉइस चेंजेस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको बहुत सारे वॉइस आपको मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर लड़की वाला वॉइस सेलेक्ट करना है तो लड़की वाला वॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं, या मैन का है तो यहाँ पर जैसे 2 पिक्सल पर क्लिक करता हूँ, दो वॉइस में ये काम करेगा, ठीक है ना, पहले लेडीज और बाद में जेंट्स, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से बहुत भारी होगी, मैन, ठीक है, ये किड्स की वॉइस है, ये मैन की वॉइस, ठीक है, और ये मल्टीपल है, रेडियो रोबोट, ठीक है, तो यहाँ वुमेन की आवाज़ बन करते हैं, तो ये वुमेन की वॉइस में हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वॉइस चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहे तो इसकी वॉल्यूम को भी आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर इतना कर देते हैं, फुल कर देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको जो इसके साथ में बजाना है, तो इसके साथ में बजाने के लिए वापस से यहाँ पर लाना है और इस पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है, ठीक है, और वापस से यहाँ पर टैप पर क्लिक कर देना है और इसकी साउंड को जो एकदम आपको कम कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसकी साउंड को एकदम कम कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर से भी कम कर देता हूँ, ठीक है, तो ये थोड़ी सी सुनाई देगी, ठीक है। तो अब जो मैं प्ले करता हूँ, तो जैसे यहाँ पर लाया, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो साउंड भी चल रहा है और हमारा डीजे वॉइस है वो भी चल रहा है। तो इस तरीके से आप जो कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और इसमें या रिवाइड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे रिवाइड पर क्लिक करेंगे तो बॉट रूम वगैरह इस तरीके से साउंड सुनाई देगा, अगर आप चाहे तो इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब
आप डर्किंग कर सकते हैं, ड्रूप कर सकते हैं, इस तरीके से आप है जो इसको ट्रिम भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है जो हमें ऑडियो एडिटिंग में मिल जाते हैं। तो आप डीजे रिमैक्स से सॉन्ग अगर करना चाहते हैं, काइन मास्टर या कोई भी थर्ड का एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना चाहते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर पर ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये का सॉफ्टवेयर आता है, और मोबाइल पर है जो 2000-2500 रुपये का सॉफ्टवेयर ये डीजे रिमैक्स का आता है। तो आप है जो फ्री में कर सकते हैं काइन मास्टर, बहुत आसान तरीके से, इस तरीके से आप भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आज की समझ में आ गई हुई आई है, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।